फिर आती है कुछ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स, जिनकी हम लोगों ने बात की है अपने पूरे इस जो हमारी डेफिनेशंस थी उनमें, कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन वॉन्ट्स की बात की, तो ह्यूमन वॉन्ट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे, जब हम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज होती है उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक को मेनली हम यही समझेंगे कि समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग ऐसा जिससे कि ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, वो क्या आएंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स जो कि हम अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अंडरटेक करते हैं। ओके, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि हम आउट ऑफ सिंपथी, आउट ऑफ लव जो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, पापा जो है वो आपके लिए क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ लव। उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कुछ और है, वो उनका खुद का कोई बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस से जो है इनकम अर्न करते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, उन्हें जो है आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा उनके कुकिंग करने से, तो वो चीज उन्हें क्या दे रही है, खुशी दे रही है। तो इट मीन्स कि वो अगर इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसे पे नहीं कर रहे हो, राइट? आप उन्हें पे नहीं करने वाले हो, वो क्या कर रहे हैं, ये विदाउट एनी पेमेंट ये वन साइडेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर वही हम देखें कि वो उनके बिजनेस में कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उन चीजों को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, उससे इनकम अर्न की जा रही है। ठीक है, हम लोगों ने तीन वाइटल प्रोसेसेस पढ़ी है इकोनॉमी की, दैट इज व्हाट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट्स, ये किसके अंदर आती है, ये आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं वो आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, हम जो है कोई भी एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं, हम किसी एनजीओ में जाकर कुछ डोनेट कर रहे हैं, हम उससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो ये क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा मैडम कि जब हम कंजम्पशन करते हैं, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, तब भी तो हमारी कोई इनकम नहीं होती है, अपार्ट हमें जो है मनी देना ही पड़ता है ना, तो ये क्या, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी क्या मैडम, ये आप पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज समझिए कि जो हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसमें आती है, ये आती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो कि इन तीनों चीजों को लीड कर रही है, वो सारी इसमें ही आने वाली है। अगर आप जो हो कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो कंजम्पशन, आपने जो कंजम्पशन किया, आपने मनी दिया, वो किसी और के लिए इनकम हुई, बिल्कुल हुई। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ मनी दिया है, इन रिटर्न कुछ नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ ना। आपने अगर मनी दिया है, अगर आप किसी, आपने किसी चीज का पेमेंट किया है, तो वो पर्टिकुलर आइटम आप खरीद भी तो रहे हो, है ना, ये जो है वन साइडेड नहीं है। हम जाते हैं एनजीओ में कुछ डोनेट करने, ठीक है, एनजीओ में क्या डोनेट करने गए, मनी डोनेट करने गए, तो मैंने जो है एनजीओ में मनी दिए, क्या एनजीओ ने मुझे इन रिटर्न कुछ दिया, नहीं दिया। वो एक भले ही सर्टिफिकेट भले ही दे दे, लेकिन वो जो है उस मनी के वर्थ तो नहीं ना, मतलब कि उस मनी की वैल्यू का तो नहीं है, राइट? तो ये क्या हुआ, ये वन साइडेड हुआ। ठीक है, पापा ने कुकिंग की, तो उन्होंने कुकिंग की, आप लोगों ने वो खाया, क्या आपने उसके रिटर्न में कुछ दिया, उन्हें नहीं दिया। यही सेम चीज अगर आप किसी होटल में जाते, वहां पर भी आप जो हो खाना ही खाते या कुछ भी खाते, तो आप जो वहां पर भी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन उसके रिटर्न में आप क्या पे करके आते हैं, मनी पे करके आते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज है जिसमें आप क्या देख रहे हो कि दोनों साइडेड है, आप अगर मनी दे भी रहे हो तो आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, या अगर आप कोई भी आइटम दे रहे हो किसी को, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको जो है कोई भी मनी मिल रहा है, कोई भी पेमेंट कर रहा है, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम गोज टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि वन साइडेड है, आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, मैंने अगर आपको एक गिफ्ट दिया, तो क्या आप मुझे पेमेंट करोगे, नहीं करोगे, बिकॉज वो क्या है, वो गिफ्ट है, मैं आपको सेल
इसलिए नहीं कर रही हूँ, अगर मैं सेल करती तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता, लेकिन अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। बहुत ही शॉर्ट में इसे हमें समझना हो तो ये हम बोल सकते हैं अंडरटेकन टू अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, अंडरटेकन टू गेट सैटिस्फैक्शन, ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें हम मनी अर्न करते हैं और इसमें जो है सैटिस्फैक्शन गेन करते हैं, ठीक है।